विभिन्न बूथों में मतदाताओं ने अपने भावी विधायक से कई उम्मीदें की हैं। मतदाताओं ने वोट डालने के उपरांत अपनी पीड़ा से भी अवगत कराया। मतदाताओं ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी सहित स्थानीय समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने वाला विधायक होना चाहिए। मतदाताओं ने कहा कि जीतने के उपरांत भी जनप्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं की सुध लेनी चाहिए तथा समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देना होगा। कहा जा सकता है कि 8 सितंबर को मिलने वाले विधायक पर जनता की उम्मीदों का बोझ होगा। हाँ हाँ, वोट डाल दिया हमने। पहला वो है, हमारा पहला वोट है। मेरा विनय पांडे है। हाँ, हमने विधायक से चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो और अच्छी शिक्षा। ऐसी कोई समस्या है जो आप? बेरोजगारी आपको पता ही है, आज देश भर में पूरे प्रचंड उस पर है। और बाकी शिक्षा नीति आगे वगैरह में आप देख ही रहे हैं, हाल क्या है आकर बेरोजगारी का देश में। बेरोजगारी ज्यादा, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए पहली बात हमारी, और बाकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। नाम विशाल गया सर। हाँ, डाल दिया, पहली बार बहुत है और महंगाई बहुत हो रही है रोजगार के लिए हमारे लिए। हम अपने विधायक से ये चाहेंगे कि रोजगार का, बेरोजगारी कम हो जाए, रोजगार मिल जाए नए युवाओं को, शिक्षा के लिए सब हो जाए। वो डाल लिया जी, डाल दिया। हाँ। तो ये बताएं कि आप अपने नए जो विधायक बनने वाले हैं उसे क्या ऐसी समस्या जो सबसे पहले उसका समाधान करें? जी, पहले तो हमको चाहिए शिक्षा बच्चों के लिए, और दूसरा ये महंगाई, महंगाई कम होनी चाहिए ना, और रास्ता नहर गांव की समस्या है, रोजगार चाहिए बच्चों की पढ़ाई, और पढ़ाई करते हैं तो बच्चे रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है उनको, ऐसे ही भटके रहेंगे हमारे बच्चे। जी, अभी अभी डाल के आ रहा हूँ जी। तो आप क्या चाहेंगे जो आपके जो नए विधायक बने वो सबसे पहले कौन सी समस्या का समाधान करे आप? समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी, उससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। रोजगार दो, सारी समस्या हल हो जाएगी, महंगाई भी हो जाएगी। आदमी तभी खरीदेगा वो महंगा या सस्ता सामान जब उसके बाद रोजगार होगा। बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं बच्चे, यहाँ पढ़ लिख कर सब बिल्कुल बेरोजगार भटक रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, ये पूरी होनी चाहिए। रोजगार बहुत है पहाड़ों में, सिर्फ उसको करने वाला नहीं है, कराने वाले नहीं है। मंत्री लोग जो बैठे हैं उनको पहल करनी चाहिए। पूरा बंद जल रहा है, हर साल आग में जल रहा है, इतने पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जलते रह रहे हैं। बिल्कुल उस पर रोजगार है। सीएम साहब से गुजारिश है कि उस पर ध्यान दें, ध्यान दें। एक साइड के एक बीट एक गार्ड को 20-30 लड़के दें रोजगार के लिए, न वो बंद को जलने देंगे और न नुकसान होने देंगे, और भी पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं उनमें पानी भी भरेंगे। बिल्कुल। और गांव के कोई इश्यू नहीं है जो रास्ते नाले? रास्ते नाले सब बंजर पड़े हैं सर, बहुत रास्ता है, टूटे फूटे गड्ढे हैं, कई लोग गिर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार से भटक रहे हैं और रास्ते से भटक रहे हैं। बिल्कुल हर चीज जंगली जानवर खेती किसान कुछ नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल मेरा खेत देख लीजिए, सब्जी लगाई है जानवरों ने खत्म कर रखा है, एक कद्दू नहीं रखा है, एक पेड़ पौधे नहीं रखे उन्होंने। इनसे निजात चाहिए और रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं दीप जोशी, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आज पोलिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें और इससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती तो मिलती ही है। आज सुबह मेरे साथ थोड़ी सी एक बात होगी, जो हमें निर्वाचन से ये पेपर मिला है इसमें मेरे पोलिंग स्टेशन का नाम मजबे पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग कह तो रहे थे कि ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं दूसरी जगह हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें जो एक टोल फ्री नंबर दिया है इस पर कंफर्म कर लें, 1950 पे। हाँ, 1950 पे। तो मुझे जैसे मैंने फ़ोन किया, वहाँ से साहब को भी नहीं जानकारी थी, उनके टेबल पे भी पोलिंग स्टेशन का नाम मजबे ही लिखा था। फिर उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और जो है मुझे बाद में बैक कॉल करके बताया कि मेरा पोलिंग स्टेशन मजबे नहीं, नैल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो निवेदन यह है कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ये पेपर में जो नाम वगैरह रहता है करेक्शन हो जाए। तो इससे मैं आज बूथ पर गया था, थोड़ा सा मलाल ये रह गया। मेरी इच्छा थी कि मैं आज पहला वोट मेरा पड़े, उत्सुकता थी, पहला वोट मेरा पड़ा है, वो नहीं पड़ पाया, सब काम बाद में, मतदान पहले। अच्छा था पे, और आज मैंने पहली बार वोट दिया है, मुझे वोट देकर काफ़ी अच्छा लगा। देखिए न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।